ठीक है, तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? कोई भी एक बता दो, और हाँ भैया, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो भी। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या बताए थे लास्ट, वो बस एक बार बता दो हमको। कोई भी बता दो, जल्दी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम तुम लोग को ये बता रहे थे रिएक्शंस के बारे में, और ये वाला रिएक्शन बताया था लास्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट सबसे पहले थोड़ा सा और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के करते हैं। अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे ग्रुप 17 के लिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग उसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, मतलब HF का, HCl का, HBr का और HI का, इनका हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर वन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नंबर टू है उसका मॉलिकुलर वेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मॉलिकुलर वेट को देखते हैं उस हिसाब से, उसके बाद फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी हम लोग ज्यादा कंसिडर किस चीज को करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड को करते हैं। ठीक है, वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए था? तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एच आई का है, तो इसके हिसाब से जो ऑर्डर आना चाहिए था वो कुछ ऐसा आना चाहिए था। एच आई का सबसे ज्यादा, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, और उसके बाद है एच एफ। ठीक है, इस ऑर्डर में आना चाहिए था। लेकिन क्या हो कि जो एच एफ होता है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, हम लोग जानते हैं जिगजैग पैटर्न में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड इसी का होता है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है इसमें ये सबसे आगे चला जाता है, ये एच आई को भी एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वो कुछ ऐसा होगा, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, और सबसे ज्यादा है एच एफ। ठीक है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का एज सच कोई रूल नहीं होता है, ये तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे। जनरली मॉलिकुलर वेट से कंपेयर हो जाता है, अगर मॉलिकुलर वेट ज्यादा है तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, लेकिन ये कोई क्लियर कट रूल नहीं है। तुम लोगों को हम कुछ टाइम पहले भी बताया था कि एस ब्लॉक के लिए कुछ अलग रूल्स होता है, पी ब्लॉक के लिए अलग, डी ब्लॉक के लिए अलग। ठीक है, लेकिन वो सारे जो रूल्स बताए थे वो हम एलिमेंटल फॉर्म में, जो एलिमेंटल या मॉलिकुलर फॉर्म में जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उसके लिए बताए थे, जैसे एफ टू, सी एल टू, बी आर टू, आई टू को अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तब हम लोग वो रूल देख सकते थे कि अगर वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसका हाइड्रा एसिड का हम लोग को कंपेरिजन करना है, तो हाइड्रा एसिड के कंपैरिजन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो इसलिए फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आता है उसका ऑर्डर ही तुम लोगों को बता देते हैं, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे जो एच एफ होगा ये सबसे ज्यादा नहीं होता है, एच आई से एक पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल ऑर्डर है ये कुछ ऐसा होता है, एच सी एल, एच बी आर, एच एफ, एच आई। ठीक है, ये इसका कुछ फाइनल ऑर्डर है। ठीक है,
इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, बस इतना समझ सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है तो इसके वजह से ये थोड़ा आगे आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन में। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका पैकिंग कितना अच्छा हुआ है, पैकिंग में एटम्स का साइज रेशियो क्या है, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाता है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ ये सवाल पूछा जा सकता है कि हैलोजन के हाइड्रा एसिड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ठीक है। तो वो हम लोग को आना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी तुम लोग अगर ध्यान में रखोगे तो तुम लोग के लिए बेहतर होगा। अब कलर के बारे में तुम लोग को बता ही दिए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी तुम लोग को इसमें बता दिए थे। तुम लोग को शायद ये वाला बात बताए होंगे कि F2Cl2Br2 और I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। और F-Cl-Br- और I- ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो बता दो, ठीक है, तो फिर इसको बताएंगे। तो ठीक है, कोई मतलब हम बता चुके हैं इसके बारे में तुम लोगों को। तो ये जो हम लोग के पास बेसिकली ऑर्डर है ये थोड़ा यूजफुल होता है, इसका बस हमको एक एप्लीकेशन दिखाई देता है और वो बहुत कॉमन सा एप्लीकेशन है कि कौन सा हैलोजन किस हैलो अनायन को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका बस ये मतलब होता है कि F2 अगर हमारे पास है, F2 अगर किसी X माइनस से रिएक्ट कर रहा है तो ये कौन मास्टर क्लास पढ़ा रहा है? क्या, तो ये बेसिकली F- बनाएगा और X2 बनाएगा, ठीक है। ये बना सकता है, मतलब अगर इसका स्ट्रेंथ, इसका जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ F2 के ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ये इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स माइनस है ये क्या क्या हो सकता है, ये X-Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है और I- हो सकता है, बस ये चीज, ठीक है। इस बात को तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि F2 का ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग F2 को एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह देखते हैं तो इसको सिर्फ वही ऑक्सीडाइज, इसको सिर्फ वही रिड्यूस करा सकता है जो इससे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रख रहा है। समझ में आया, कुछ तो बोलो। कोई भी एक बंदा कुछ बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूरज तुम ही माइक अनम्यूट करो, तुम ही बताओ। पता नहीं तुम लोग कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जब पहली बार ये पढ़े थे और ये सुने थे तो हमको ये कुछ समझ नहीं आया था। हो सकता है तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखना। अब जो दूसरा रिएक्शन है वो भी देखो, जब Cl2 किसी X- से रिएक्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, Y- से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर ये फर्दर फॉर्म करता है Cl- और Y2, ठीक है। तो ये Y- क्या हो सकता है, 10 सेकंड का टाइम ले लो और सोच लो कि ये Y- क्या हो सकता है। ठीक है, ये Y- बेसिकली Br- एंड I- हो सकता है, इन दो यही दोनों सिर्फ हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा दो नहीं हो सकता, तो Cl- नहीं हो सकता एंड F- नहीं हो सकता। Cl- इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रिएक्शन में अगर Cl- से इसको रिड्यूस कराएंगे तो ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए Cl- का पॉसिबिलिटी ऐसे ही हट जाता है।
ठीक है, एफ माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एफ माइनस है सबसे ज्यादा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये सबसे ज्यादा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सीएल टू जो एक खुद ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चीजें नहीं आ सकती। अब यहाँ पे एक आखिरी रिएक्शन आता है Br2 प्लस जेड माइनस, ठीक है, ये बेसिकली Br माइनस प्लस Z2 बनाता है। तो ये Z सिर्फ एक हो सकता है और वो है I माइनस, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है और ये तीसरा रिएक्शन है। अगर तुम लोग को ये समझ में आया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों हो रहा है और उसके पीछे फिनोमेना क्या है, तो ये तुम लोग के पास सिर्फ एक रिएक्शन है, ठीक है, सिर्फ एक रिएक्शन है और उसमें ये सारी चीजें क्लब हो सकती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये तीन रिएक्शन में डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी फर्दर ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक और तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों हो रहा है, जैसे कि F2 प्लस, जैसे हम लोग Cl माइनस ही ले लेते हैं, Cl माइनस यहाँ पे F माइनस प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। अब इसके लिए जो हमारा पहला रिएक्शन होगा स्टेप नंबर वन, इसमें इस टाइप से लिखो F2 गिव्स F माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बैलेंस कर लिए। और जो सेकेंड रिएक्शन है यह Cl माइनस गिव्स Cl2 और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, प्लस वन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे टू और यहाँ पे भी टू, ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस आउट रिएक्शन हो गया। अब इस पहले वाले जो रिएक्शन है इसका अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको E01 कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे वाले का E02, तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा F2 प्लस 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2F माइनस। इसके लिए जो E01 प्लस E02 है ये जो वैल्यू है बेसिकली ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो यहां से हम लोग को भी पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये फीजिबल है। अगर ये सवाल कॉम्प्रिहेंशन बेस में आता है तो तुम लोग को इसका ई नॉट वैल्यूज दे देगा, और अगर इनऑर्गेनिक के पेपर पे आता है मतलब सेक्शन से आता है तो तुमसे सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा और उसका प्रोडक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस बात को मतलब इन तीनों रिएक्शंस को ध्यान में रखना। हैलोजन के बारे में जो बेसिक जो फंडामेंटल लाइंस था वो हो चुका है, तो अब तुम लोग को हम इसके पर्टिकुलर हाइड्रा एसिड्स पे लेके चलते हैं, ठीक है। जो इसका पहला हाइड्रा एसिड है यह है HCl, ठीक है। HCl ऐसा लोगों लग मतलब जब 11 टर्म में था तो हमको समझ में आता था फेज ये गैस है फिर लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि उस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा चलते हैं ब्रेन टीजर्स टाइप के, कि अगर लिटमस पेपर से गैसियस HCl को पास कराएंगे तो उसका कलर कैसा चेंज होगा, रेड लिटमस का क्या कलर चेंज होगा या ब्लू लिटमस का क्या कलर चेंज होगा, ठीक है, तो इस टाइप में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए तुम लोग यहीं से इस बात को स्टार्ट करते हैं कि HCl जो होता है गैस होता है, इट इज अ गैस, ठीक है, एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज हाइड्राक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब जो तुम अपने लैब्स में हाइड्राक्लोरिक एसिड के नाम से जो कंटेनर देख रहे हो उसमें लिक्विड HCl भरा हुआ है, ठीक है, और गैसियस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका जो नेचुरल फेज है ये गैस फेज है, मतलब एक रिएक्शन में अगर ये नेचुरली इवॉल्व हो रहा है तो HCl एक गैस फॉर्म में इवॉल्व होगा, ठीक है। इसका जो प्रिपरेशन होता है ये बेसिकली हम लोग NaCl को लेते हैं, NaCl को बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड H2SO4 में डालते हैं, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर हमारे पास NaCl होगा उसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 में डालेंगे तो ये उसका हाइड्रा एसिड फॉर्म करता है, पर्टिकुलरली जिस हैलोजन का ले रहे हैं, तो यहाँ पे HCl फॉर्म होगा,
एच सी एल फॉर्म होगा और ये एच सी एल जो है बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसका जो पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम लोग मार्केट में से इसको खरीद सकते हैं, इसका नाम होता है नमक का तेजाब, ठीक है। जो एसिड अटैक होता है उसमें इसी चीज को यूज किया जाता है। अब ये चीज हम इसलिए बताए क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं पे पीछे में गिवन था, ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को यूज किया गया। याद रखना बहुत जरूरी नहीं है इसको, क्योंकि इस पे तो हमको नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ पूछ सकता है। बस ये जो प्रोसेस है कि ये कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कुछ सॉल्ट एनालिसिस वाले पॉइंट्स आते हैं एचसीएल को जब हम लोग लेते हैं तो, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस वाले पॉइंट्स को हम लोग सॉल्ट में ही डील कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको तुमको समझाना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे एक इसका जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये होता है एक्वा रिजिया। ठीक है, एक्वा रिजिया का जो कंपोजिशन होता है ये एक तो बार बहुत पहले मेंस में पूछा जा चुका है, तो इसलिए अभी तुम लोग इसको बता देते हैं। थ्री पार्ट्स ऑफ HCl, कंसेंट्रेटेड HCl एंड वन पार्ट ऑफ HNO3, ठीक है, एक्वा रिजिया। इससे हम लोग कुछ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, प्लैटिनम का, गोल्ड का और AU का। तुम लोग सुने भी हो गया ऐसा कहानी कि पहले के जमाने में कुछ टाइम पहले रोड पे एक आदमी घुमा करता था, वो बोलता था कि सोने को साफ कर देंगे, मतलब सोना का जो ऑर्नामेंट्स है उसको साफ कर देंगे, और वो बेसिकली उसको साफ भी कर देता था। जैसे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट का ऊपर का लेयर रहता था उस पे कुछ गंदगी जम जाता है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ब्लैक टार्निश लेयर हो जाता है। तो वो क्या करता था, इसको एक वेसल में डालता था, ठीक है, उस वेसल में कुछ केमिकल्स भरा रहता था, उस केमिकल में इसको डाला और ये जो चीज था ये हट जाता था उसमें से, ठीक है, ये पर्टिकुलरली ये टार्निश लेयर हट जाता था। लेकिन इस टार्निश लेयर के हटने के साथ साथ यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो गोल्ड है वो भी हट जाता था, वो इस एक्वा रिजिया में डिजोल्व हो जाता था और उसके यहाँ पे एक जो दूसरा कंटेनर रहता था इसके नीचे उसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद वो तुमको तुम्हारा ऑर्नामेंट वापस कर देता था और तुमसे पैसे भी लेता था साफ करने के लिए, और प्लस तुम्हारा जो एक्स्ट्रा गोल्ड था उसको भी वो चुरा चुका था, मतलब उसका डबल फायदा हो रहा था, ठीक है। तो ये है एक्वा रिजिया का बेसिक इंपॉर्टेंस और इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग उसका रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का अगर हम तुमको रिएक्शन बताएं, तो अगर हम लोग AU लेते हैं, मतलब AU का कोई यूटेंसिल, गोल्ड का कोई यूटेंसिल, तो जो एक्वा रिजिया होता है ना वो नेसेंट क्लोरीन रिलीज करता है, HCl प्लस HNO3 का जो एक्वा सोल्यूशन है ये नेसेंट क्लोरीन रिलीज करता है हर टाइम पे, ठीक है। नेसेंट क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेसेंट कुछ भी हो, नेसेंट क्लोरीन हो, नेसेंट हाइड्रोजन हो, वो सब बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेसेंट क्लोरीन रिलीज हुआ तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर देगा और ये होगा AuCl4-, ठीक है, इस कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर देगा। और यही कंपाउंड बेसिकली सोल्यूशन के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता था और इसको ये लेके घर चले जाता था। इस रिएक्शन को याद रखना, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दो दो जगह गिवन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी गिवन है, डी ब्लॉक में भी गिवन है और शायद पी ब्लॉक में भी गिवन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखना। इसके साथ साथ इसका कॉन्ट्रेरी रिएक्शन जो होता है वो प्लैटिनम के साथ होता है, प्लैटिनम प्लस नेसेंट क्लोरीन, ये फॉर्म करता है PtCl6-2-, ठीक है, PtCl6-2- का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिएक्शन दो तीन जगह एनसीईआरटी में मेंशनड है, एक मेंशनड है मेटलर्जी में, इस प्रोसेस को गोल्ड में कार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, लगभग सिमिलर प्रोसेस होता है, डी ब्लॉक में भी गिवन है और पी ब्लॉक में हम बता ही रहे, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो इस पर कुछ सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ये था पूरा का पूरा क्लोरीन के बारे में, ठीक है। किसी को क्या पता है गोल्ड में कार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस क्या होता है? नहीं पता है, ठीक है, तो फिर मेटलर्जी में उसको देख लेंगे। अब क्लोरीन का कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ दो टाइप के रिएक्शंस है,
एक Cl2 प्लस NaOH, ठीक है, Cl2 प्लस NaOH, अगर NaOH कोल्ड हो एंड डाइल्यूट हो तब क्या रिएक्शन देगा, और सेकंड जब Cl2 प्लस NaOH हॉट एंड कंसेंट्रेटेड हो तो फिर ये कौन सा रिएक्शन देगा। ये बेसिकली बस दो रिएक्शन होते हैं, Cl2 विद बेस के टाइप के रिएक्शन, ठीक है, तो इसको नंबर वन मानते हैं, इसको नंबर टू प्रोडक्ट मानते हैं। 10 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है, अगर याद हो तो अपने पेपर कॉपी पेन पे लिख लो और चेक कर लो। ठीक है, इतना टाइम काफी है। तो पहले रिएक्शन में फॉर्म होता है NaCl प्लस NaOCl, ठीक है, और दूसरे रिएक्शन में फॉर्म होता है NaCl प्लस NaClO3, ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट है और ये इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी जरूरी, मतलब जितने भी चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो बेसिकली जरूरी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते, तो जो मेमोरी ट्रेल है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हर पॉइंट अपने आप में एक अलग सिग्निफिकेंस रख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर वन, टाइप वन, सब टाइप इसका नंबर वन और ये सब टाइप टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से एक और रिएक्शन होता है, बेस के साथ ही होता है बेसिकली, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नहीं होता है, Cl2 प्लस NH3, दिस क्लास, दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मतलब दो कंडीशंस, Cl2 प्लस NH3 में अगर NH3 एक्सेस में तो ये क्या बनाएगा, और Cl2 प्लस NH3 में अगर Cl2 एक्सेस में तो ये क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिएक्शन है, अगर किसी को प्रोडक्ट याद हो तो वो लिख सकता है, नहीं याद हो तो थोड़ा वेट कर सकता है। ठीक है, अगर याद होगा तो इतनी देर में तुम लोग लिख चुके होंगे। तो जो नंबर वन में प्रोडक्ट आता है ये होता है Cl2 एक्सेस में, तो इसमें आता है NCl3 प्लस HCl, ठीक है, सॉरी ये नंबर टू का, ठीक है, जहां पे Cl2 एक्सेस में, और नंबर वन में प्रोडक्ट आता है N2 प्लस NH4Cl। इसमें हम बेसिकली इसको ऐसे याद रखते थे कि अगर NH3 एक्सेस में तो मतलब बेसिकली नाइट्रोजन एक्सेस में, तो दोनों प्रोडक्ट में हमको नाइट्रोजन दिखेगा, ठीक है, और जब Cl2 एक्सेस में तो Cl का जो कंपाउंड है वो हमको इनिशियली मतलब दोनों प्रोडक्ट में दिखेगा, तो इस तरीके से हम इसको याद कर रखे थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में डेफिनेटली ये बात आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो अगर इसको जानना चाहो तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर तुम NH3 को और Cl2 को बस एक इक्विवेलेंट मिक्सचर में रखो, एक अपने रिएक्शन मीडियम में, ठीक है, तो वो सबसे पहले फॉर्म करता है, अगर इसको जैसे 1:1 रेशियो में ले ले तो ये N2 प्लस HCl फॉर्म करता है, ठीक है, ये N2 और HCl, ये दो चीज फॉर्म करेगा। अब अगर इसमें हम लोग पर्टिकुलरली अगर इसमें हम लोग जैसे NH3 को एक्सेस में डाल दें, ठीक है, NH3 को अगर एक्सेस में डालेंगे तो ये किससे जाकर रिएक्ट करेगा, NH3 एक बेस है, सबसे पहला हमला एसिड पे करेगा, तो ये एसिड से जाकर रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा, और N2 बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन मीडियम में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा रिएक्शन हो गया। अब दूसरा केस कि अगर इसमें हम लोग Cl2 एक्सेस कर दें, ठीक है, Cl2 एक्सेस कर देंगे तो फिर ये किससे जाकर रिएक्ट करेगा, तो ये मतलब Cl2 एज इन तो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है, जिसने अपना बॉन्डिंग बना रखा है और pH पे बहुत ज्यादा डेविएशन दिखाता नहीं है, ये N2 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और NCl3 बनाएगा और HCl वैसे का वैसे ही रिएक्शन मीडियम में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा रिएक्शन,
चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत बस ये है कि ये जो प्राइमरी रिएक्शन हम यहाँ पे लिखे हैं 1:1 वाला, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तुम्हारा थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा याद करने के लिए, अगर तुम लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक। तो मेरे ख्याल से हम तुम लोग को ग्रुप 17 के बारे में बहुत जितने केमिकल रिएक्शंस थे वो बता दिए। सीएल के बारे में एक और फैक्ट है, जो एक लाइन है बेसिकली एनसीईआरटी का, तो वो हम तुमको बता देते हैं कि पेपर वुड या जैसे सीएल2 का बेसिकली हम लोग ब्लीच के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो सीएल का वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हम लोग पेपर ब्लीच की तरह से यूज करते हैं? तो उसका आंसर होता है सीएलओ2, ठीक है? ये बेसिकली एक क्वेश्चन आ रखा है पिछले प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन ही हम लोग को यहाँ पे डिक्टेट करा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, इसके चार ऑप्शंस थे और इसका जो आंसर था ये होगा CLO2। ये बेसिकली ये पर्टिकुलर लाइन एनसीईआरटी में क्लोरीन में ही गिवन है, ठीक है? तो तुम्हारा काम आसान हो रहा है, बस ये सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते जाना, ठीक है? अच्छा, हम लास्ट क्लास में तुम लोग को एक कंसेप्ट बताए थे, उस पर एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, कोशिश करो उसका आंसर देने का। चलो इसी का आंसर बता दो, अगर किसी को आंसर मिले तो 15 सेकंड है तुम्हारे पास, 15 सेकंड में आंसर करने का कोशिश करो। ठीक है, इतने देर में अगर आता होगा तो तुम लोग कर चुके होगे, तो इसका आंसर हम तुम लोग को बता देते हैं। पहला स्टेप, इसको अभी भी डिस्कस किया हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ HCl, ठीक है? तो यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। HCl एक वीक एसिड है, इसीलिए ये H+ और Cl- में ब्रेक नहीं कर पाएगा, और इसको हम लोग को इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को MnO2 सप्लाई करना होगा। मतलब Mn2+ भी डाल सकते हैं, MnO2 भी डाल सकते हैं, KMnO4 भी डाल सकते हैं, ये रिएक्शन सप्लीमेंट हो जाएगा। एक मिनट, Mn2+ नहीं डाल सकते, MnO2 या KMnO4 डाल सकते हैं, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, सी और डी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? तो इसमें सी क्या और डी क्या, तो एक चीज इसमें होगा Cl2 गैस, और जो दूसरा चीज होगा वो होगा Mn2+, ठीक है? Cl2 का कलर, मतलब जिस भी कंपाउंड का कलर इंटेंसिफाई हो रहा है या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का येलोइश कलर है, तो वो चीज क्लोरीन गैस है, और जो दूसरा कलरलेस चीज पता है पड़ा है मीडियम में, वो हमारा Mn2+ है, ठीक है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक्सपेक्ट करके रखो कि आ सकता है, ठीक है? तुम लोगों को हम इसके बारे में बता रहे थे कि फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछ ही लेते हैं। OF2 एंड O2F2, ये दो तुम लोगों को फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स बताए थे, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा फ्लोरोनेटिंग एजेंट कौन सा होता है? अगर किसी को कोई आइडिया है तो शेयर कर सकता है। किसी को कोई आइडिया नहीं है इस पे?
ठीक है, तो ये सवाल बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का सवाल हो गया, तो इसको थोड़ा और बेसिक से उठाते हैं। इन दोनों में ज्यादा अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे कंपाउंड में फ्लोरिन को ऐड कर दे, मतलब अपना खुद का बॉन्ड ब्रेक करे और दूसरे में ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम लोग को इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग को कंपेयर करना है, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए एन नंबर ऑफ वेज होते हैं। ठीक है, कुछ लोग को दिख जाता है, कुछ लोग कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, कुछ लोग कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम बेसिक साइक यहाँ पे रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सॉरी +2, और यहाँ पे है -1 और ये है -1। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये +1, ये -1 और ये -1। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हमसे इस बात पे डिसएग्री नहीं कर पाएगा कि अगर इसका बॉन्ड लेंथ ए है और इसका बॉन्ड लेंथ बी है, तो ए और बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बराबर होगा हमारे पॉइंट, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका अगर बॉन्ड लेंथ को सी मानते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मतलब कि हम लोग को ए एंड सी का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग को ए और सी का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, तो हम बेसिक से एक फंडा यूज करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इसका जो चार्ज आएगा डेल माइनस का, यहाँ पे डेल प्लस का चार्ज आएगा और इस पर डेल माइनस का चार्ज आएगा, ये इसी बात पे जो बॉन्ड लेंथ है इन्हीं दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का ओवरलैप उतना अच्छा हुआ है, मतलब बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा फर्स्ट केस था, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा कम है। ठीक है, तो ओ एफ टू का जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें जो ओ एफ बॉन्ड है मतलब सी, ये छोटा है इन कंपैरिजन टू ए, और बी तो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन करें, तो ये टोटल इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ओ टू एफ टू। ठीक है, तो इसका मतलब आसानी से बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, आसानी से ओ टू एफ टू का बॉन्ड टूट रहा है। ओ टू एफ टू का अगर बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, तो ओ टू एफ टू ज्यादा अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये भी एक सवाल है, डेफिनेटली इसको देख सकते हो। ठीक है, अब एक फैक्ट आता है इसके बारे में, तो वो भी तुमको बता देते हैं। हम शायद हमको लगता है कि हम पहले भी बताए होंगे तुम लोग को, जब हम लोग ग्रुप 18 डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से बता देते हैं कि O2F2 इज यूज्ड टू एनरिच प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो इसपे जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है, उसका जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें से होता है प्लूटोनियम। तो ये प्लूटोनियम वेस्ट, अब इस वेस्ट को हम लोग को बेसिकली, ये बहुत गर्म वेस्ट है, तो इसको हम लोग को वाटर बॉडी में हम लोग इसको रिलीज करा देते हैं। ठीक है, वाटर बॉडी में इसको रिलीज करा देते हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मतलब ठंडा रह सके। ठीक है, ये एक हजार्डियस वे है वेस्ट डिस्पोजल का, लेकिन ऐसा ही कराते आ रहे हैं हम लोग काफी टाइम से। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आता है कि इसमें प्लूटोनियम होता है और बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस वेस्ट फ्यूल में भी। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में इंक्लूड डिस्चार्ज कर दें, तो यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, जैसे फिशेस, एक्वेटिक पूरा जो लाइफ है, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा और उसी को हम लोग फिर बाद में खाएंगे। तो इससे पूरा मतलब जो समाज है, मतलब पूरा जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बहुत जगह हो भी चुका है। जैसे पंजाब के साइड में जाओगे तो ये पर्टिकुलर चीज अभी भी हो रहा है और कोई सरकार इसको रोक नहीं पा रहा है। वहां पे एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे हर किसी को कैंसर होता है, ठीक है, वहां पे बेसिकली सरकार एक ट्रेन चला दिया, कैंसर ट्रेन, बहुत लोग जानता भी होगा इसके बारे में। उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर पेशेंट्स सफर करते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं फ्रॉम देयर विलेज टू देयर हॉस्पिटल। ठीक है, और इसमें जो ट्रेन रहता है, इसमें जो टीटी होता है, टीटी नहीं आता है इसमें, बेसिकली वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस वाले आते हैं ना, वो घूमते रहते हैं कि कैंसर हो गया आप तो मर ही जाओगे, तो इससे अच्छा इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है,
तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, इसमें से एक जो हार्मफुल एलिमेंट है प्लूटोनियम, इसमें से इसको हम लोग निकालने के लिए या प्लूटोनियम को ज्यादा इनरिच करने के लिए हम लोग यही फ्लोरोनेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, O2F2 प्लस ये प्लूटोनियम का जो वेस्ट वाला पार्ट है इससे ये फॉर्म करता है PuF6 प्लस O2, ठीक है। और ये PuF6 को हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब प्लूटोनियम हम लोग अपना सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, ये हम मोस्ट वैली तुम लोगों ग्रुप 18 में बताएंगे, मैं कहानी नहीं बताऊंगा लेकिन रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है, कोई जनरल डाउट भी है तो वो भी पूछ सकता है, बहुत सारे फैक्ट्स है तो उसके बारे में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर थोड़ा सा और क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स पे डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग क्लोरीन वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे एक पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। तो क्लोरीन वाटर हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के केस में, अगर हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, अनसैचुरेशन को हटाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोरीन वाटर होता क्या और ये अपना काम कर कैसे रहा है, ठीक है। क्लोरीन वाटर बेसिकली एक ब्लीच की तरह भी काम करता है, अगर कोई अपने बाल को ब्लीच करा रहा है या कराती है तो उन लोगों को पता होगा कि बहुत जगह क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारा डिटर्जेंट है उसमें भी क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो किसके वजह से आता है, तो एक स्टेटमेंट तुम लोगों को बताता है, डेफिनेटली तुम लोग सुने होंगे, इतना हमको पता है, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो क्लोरीन वाटर होता है इसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए कंटेनर में छोड़ दें तो क्लोरीन का जो येलोइश कलर होता है वो लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, पहले फेंट होता है उसके बाद वो कलर हट जाता है और ये फॉर्म करता है HOCl प्लस HCl, ठीक है। HOCl और HCl फॉर्म कर जाता है और ये जो HOCl होता है ये फर्दर आगे डिसोसिएट करता है इन HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन किस तरीके से काम करता है, नेसेंट ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो तुम अगर अपने बालों पे लगा रहे हो तो उसका रंग उड़ा देगा, हाथ पे लगा रहे हो तो उसका रंग उड़ा देगा, मुंह पे लगा रहे हो तो उसका रंग उड़ा देगा, हर चीज को व्हाइट कर देगा, ब्लीच कर देगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे HOCl के कॉन्टेक्ट में अगर तुम किसी कलर्ड सब्सटेंस को ला रहे हो, तो ये रिएक्शन, ये मतलब रिएक्शन जो है इसी सीक्वेंस में चलता है, मतलब क्लोरीन वाटर है कुछ देर रहने दिया, उसमें कलर्ड सब्सटेंस डाला, HOCl डिग्रेड कर गया मतलब डिसोसिएट कर गया, इससे रिएक्शन किया और तुरंत नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म किया, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके बाद इस कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट किया और इस पूरे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर दिया, ठीक है। ये इसका पूरा एक्शन होता है, इसको हम लोग इस नाम से ही पढ़ते हैं, एक्शन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट या फिर एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर, ठीक है। तो इस चीज को अगर ध्यान, मतलब इसको भी ध्यान रखना। अब हाँ, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इस चीज को अभी के लिए याद रखना क्योंकि इसका फिर हमको एक और जगह काम पड़ेगा, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इज परमानेंट, because it happens due to oxidizing properties. Of मतलब chlorine plus water, ठीक है। Basically इसे release क्या हो रहा है, at last nascent oxygen हो रहा है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है कलरलेस कलर्ड सब्सटेंस को जाके ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर, मतलब अगर कोई ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हो तो वो परमानेंट होता है, और अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से हो
तो ये बेसिकली टेम्पररी होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप 16 पढ़ेंगे तो उसमें भी जो SO2 होता है, सल्फर का कंपाउंड SO2, ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये अपने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीच कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑक्सीडेशन +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस में कन्वर्ट करता है, मतलब ब्लीच करता है, ठीक है। और ये जो एक्शन है ये टेम्पररी होता है, इसको हम लोग वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। आजकल का जो 2019 से जो ट्रेंड आया, बहुत सारे पेपर्स पूछे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पेपर्स पूछे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स पूछे जा रहे हैं बेसिकली कंपाउंड, तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है, उसको तो तुम लोग याद रखोगे, लेकिन इस पार्ट से मतलब ग्रुप 17 में से जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूछा जा सकता है वो हम तुम लोग को बता देते हैं। एक है मस्टर्ड गैस के बारे में, ठीक है, मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर। दूसरा है फॉस्जीन का, तो फॉस्जीन के बारे में तुम लोग को हम बहुत पहले ही बता दिए थे जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस और CCl4 डिस्कस कर रहे थे। और तीसरा होता है टीयर गैस, ठीक है। अगर टीयर गैस नहीं जानते हो तो अभी पता चल ही जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर तुम लोग अपने दिमाग में बैठा लो, ताकि अगर पूछा जाए तो तुम लोग उसको बना सको। CH2, CH2, S, CH2, CH2, Cl, ठीक है। मतलब एकदम से सिमेट्रिकल सेंटर है, पूरा सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फॉस्जीन COCl2, सिंपल सा कंपाउंड, और जो टीयर गैस होता है ये होता है CCl3NO2, ठीक है। स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाने आता ही होगा, Cl, Cl, Cl और यहाँ पे NO2, ठीक है। ये तीन पर्टिकुलर कंपाउंड है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, और NCERT में इसका जिक्र है, ठीक है, तो इसी वजह से ये जरूरी हो जाता है। अब ग्रुप 17 का आखिरी पार्ट पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन के बीच में जो कंपाउंड बन रहा है, दो हैलोजन के बीच मेल से जो कंपाउंड बनता है उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कंपाउंड होता है ये XY होल N, इस फॉर्मूले में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे N की वैल्यू होती है 1, 3, 5 और 7। ये है बेसिकली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। थोड़ा सा और फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए इस टॉपिक से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। IF3, IF7, IF5, BrCl3, BrF3, ये सारे के सारे जो टाइप के कंपाउंड होते हैं ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें बस पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। पहले तो एक काम करते हैं कि सारे के सारे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो इस फॉर्मूले के बेसिस पे बन सकते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं और उसमें से कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे तो फिर वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोगों को याद रहे उसी फॉर्मेट में हम लिख दे रहे हैं, N=1 में। अच्छा, इससे आगे आने से पहले, ये जो X होता है ना ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, और वाई जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है। इसको
मेरा आवाज आ रहा था क्या लास्ट तक, या कुछ तुम लोग सुने नहीं हो? नहीं आ रही है। मतलब नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, कहाँ तक सुने हो ये बस बता दो हमको। XY less electron negative or more electron negative। ठीक है, मतलब सब सुन चुके हो। हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो x होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो y होता है ये बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, एक मिनट, शायद रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है। अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो y है वो नंबर में ज्यादा है, तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के लिए y का साइज कम होना चाहिए। y का साइज कम कब कम होगा? जब ये फ्लोरीन या क्लोरीन इस टाइप के एलिमेंट्स हो। अब सपोज अगर हम लोग IF7 के जगह FI7 बना दें किसी तरीके से, तो ये स्टेरिकली कभी पॉसिबल है? पहले बॉन्डिंग छोड़ दो। कुछ लोग मतलब ठीक है, तुम लोग को बॉन्डिंग नहीं, मतलब ये फीजिबल तो है नहीं। खैर, तो CLF7 देख लेते हैं। क्या CLF7 कभी भी पॉसिबल हो सकता है? CLF7 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वैकेंट 3D ऑर्बिटल तो है, लेकिन एक छोटे से क्लोरीन साथ साथ बड़े बड़े आयोडीन को कैसे अपने चारों तरफ अकोमोडेट कर सकता है? इतना भारी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि कंपाउंड तुरंत फट जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा बस यही बताने का मतलब था। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड है इसको एक बार n is equal to 1, n is equal to 3, n is equal to 5 और n is equal to 7 पे लिख लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि n is equal to 2 क्यों नहीं है, n is equal to 4 क्यों नहीं है, n is equal to 6 क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। तो जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और ये n-1d ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक है, ये जनरलाइज्ड है फ्लोरीन को छोड़ के सबके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे n-1 ही होगा, n nd होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो ये बेसिकली पास वेकेंट डी ऑर्बिटल उसके पर्टिकुलर पीरियड में, तो क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, तो इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक फ्लोरीन के से बॉन्ड करना है, तो मतलब n is equal to 3 पॉसिबल हो सकता है और n is equal to 1 पॉसिबल हो सकता है। अब जब दूसरा यहाँ से यहाँ पे एक्साइट करेगा, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे n is equal to 5 बना। अब आखिरी में अगर ये यहाँ से भी एक्साइट कर जाता है और दूसरे इस ऑर्बिटल में जाता है डी के, ठीक है, तो यहाँ पे n is equal to 7 पॉसिबल हो रहा है। तो ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का एक्साइटेशन रूल्स पे इसको बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग खैर आगे एक्स वाई एन को देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले n is equal to 1 के लिए, n is equal to 1 के लिए अगर x आई है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? IF3, IF5 एंड IF7। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो हम पूरे आयोडीन के लिए लिख लिए।
आई एफ हो सकता है, आई सी एल हो सकता है, आई बी आर हो सकता है, और आई आई नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो आई टू ही बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस रूल को फॉलो किया कि ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये रूल फॉलोड है। अब इस एक्स को चेंज करते हैं बी आर में, तो बी आर है, इससे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है बी आर सी एल बी आर एफ। ठीक है, तो ये अपना काम बन रहा है। फिर यहाँ पे सी एल लिया, तो सी एल के साथ क्या बनेगा, सिर्फ सी एल एफ। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स अभी के लिए पॉसिबिलिटी और डिसपॉसिबिलिटी का बात नहीं कर रहे, अभी इस रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीजिबल है बस वो लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे n इज इक्वल टू वन के लिए। अब n इज इक्वल टू थ्री के लिए भी यहीं पे नोट करते हैं। तो अगर आप लोग n इज इक्वल टू थ्री के लिए देखें तो यहां पे क्या बनेगा, एक मिनट, आई एफ थ्री बन सकता है, आई सी एल थ्री बन सकता है, आई बी आर थ्री बन सकता है। ठीक है, फिर यहां पे बी आर सी एल थ्री बन सकता है, फिर बी आर एफ थ्री बन सकता है और सी एल एफ थ्री बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, हालांकि अभी से हम लोग पीएनसी लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू फाइव है। ठीक है, n इज इक्वल टू फाइव में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो n इज इक्वल टू फाइव में आई एफ फाइव बी आर एफ फाइव सी एल एफ फाइव, इसमें ये सारे के सारे जितने पॉसिबिलिटीज है ना उसको लिख नहीं रहे क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पे कायदे से तो ये भी लिखना चाहिए था कि आई सी एल फाइव आई बी आर फाइव, लेकिन वो पहले देख ही के लग रहा है कि वो स्टेरिकली पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए उसको लिख नहीं रहा। ठीक है, और एन इज इक्वल टू सेवन के लिए सिर्फ एक ही आता है आई एफ सेवन, इसके लिए भी कायदे से हम लोग को सब लिखना चाहिए था लेकिन वो सारा चीज रूल आउट हो जाता इसीलिए उसको लिख नहीं रहा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू सेवन में सिर्फ एक चीज पॉसिबल है आई एफ सेवन, एन इज इक्वल टू फाइव में तीन चीज पॉसिबल है आई एफ फाइव बी आर एफ फाइव सी एल एफ फाइव। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक बार तुम लोग इस सारे कंपाउंड को गौर से एक बार देखो और सोचो कि इसमें कौन सा कंपाउंड तुम लोग को पॉसिबल नहीं लग रहा है, एक रैंडम सा गैस। कोई गेस करना चाहेगा? कोई भी गेस? ठीक है, नहीं करना चाहोगे तो हम बता देते हैं। n इज इक्वल टू वन के लिए सारे के सारे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये सारे पॉसिबल है, स्टेरिकली कोई भी उतना खराब मतलब उतना भी वैसा नहीं हो रहा है और सारे के सारे फीजिबल होंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो n इज इक्वल टू वन के लिए जो भी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं वो हमेशा फीजिबल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा आइटम है एक छोटा आइटम है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा फीजिबल होगा। दिक्कत तो तब आएगा जब एक बड़े आइटम के अराउंड बहुत सारे आइटम्स आएंगे और उसका स्टेरिक हिंड्रेंस उस पूरे कंपाउंड को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड हमको दिखता है आई बी आर थ्री, ये थोड़ा सा अजीब सा कंपाउंड है, और एक जो हमको यहाँ पे दूसरा कंपाउंड दिखता है ये है बी आर सी एल थ्री, ये भी थोड़ा सा अजीब सा कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो और आयोडीन के चारों तरफ तीन बी आर, कितना ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, और रिमेनिंग सारे करेंगे। ठीक है, मतलब टोटल कितने इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे सिलेबस में, तो उसको काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में है।
ठीक है, इस चीज को याद रखना कि कौन से दो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उस पे ही कभी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, तो पूछ सकता है। ठीक है, भैया मैं फ्लोरोनेटिंग एजेंट में किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया था? O2F2 को। हाँ, O2F2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस इंटर हैलोजन कंपाउंड में एक दो चीजें हैं जो थोड़ा सा जो मतलब पूरे में से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, ठीक है, वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी तुम लोगों को बताए थे। हालांकि ये चीज हम तुम लोगों को बहुत पहले ही बताए थे जब हम लोग डाइमराइजेशन पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ICl3 का कंपाउंड होता है, सिर्फ और सिर्फ यही जो कंपाउंड है ये डाइमर फॉर्म करता है I2Cl6 का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और ये कंपाउंड प्लेनर होता है, सबसे बड़ा दिक्कत का बात यही है कि ये कंपाउंड प्लेनर होता है। ठीक है, हो सकता है तुमको अभी इस बात का अहमियत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब भी तुमको समझ में आएगा तब तुमको पता चलेगा कि कंपाउंड अगर प्लेनर है तो कैसे प्लेनर है, क्योंकि ये बात हमको अभी तक समझ में नहीं आती कि कंपाउंड कैसे प्लेनर है। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखने की कोशिश करना कि ये सिर्फ जो कंपाउंड है ये डाइमर बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और कंपाउंड है यहीं पे, इसके जस्ट कॉन्ट्ररी में जो कंपाउंड है यही अटकाया हुआ है, एक ICl। ठीक है, ICl इज दैट इंटर हैलोजन कंपाउंड जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा ICl और एक बीटा ICl। बेसिकली इसका एक तरीके से एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है और कोई भी नहीं करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग को बस इतना इंफॉर्मेशन जानना ही है कि ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अल्फा और बीटा, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता है। ठीक है, ये NCERT में दिया है, बिल्कुल उस लैम्डा टेम्परेचर के जरा जो 2.2 केल्विन था हीलियम के केस में। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड है, उसके बारे में भी कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे एक CLF3 का कंपाउंड है। ठीक है, CLF3 का जो कंपाउंड है ये बेसिकली क्या करता है, एक मिनट, CLF3 जो कंपाउंड है हमारा, ये भी एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की तरह काम करता है। जैसे भी हम लोग प्लूटोनियम का इनरिचमेंट क्लोरीन से देखें, बिल्कुल उसी तरीके से जो CLF3 का कंपाउंड है ये इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के में मतलब पर्पस में यूज होता है। प्लस यहाँ पे यूरेनियम लिखेंगे तो ये UF6 प्लस CLF का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड से दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन का सिर्फ यही एक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब यही एक अजीब सा रिएक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारा बना ही सकते हैं कि ICl3 में और थोड़ा सा IF3 में थोड़ा सा और फ्लोरीन ऐड के तो IF5 बन गया, IF7 बन गया, तो ये थोड़ा अजीब सा रिएक्शन है, तो इसको इसीलिए ध्यान में रखना। ठीक है, और जो CLF3 होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव इसको यूज किया है क्वेश्चन बनाने में, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, और कि ये यूरेनियम से यूरेनियम के इनरिचमेंट में यूज होता है। ICl3 डाइमर बनाता है, IBr3 और BrCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, और ICl दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है कोई चीज याद रखने में या फिर किसी भी चीज में, तो वो बोल सकता है बेझिझक। ठीक है, तुम लोग मतलब सब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और अगर नहीं आ रहा है
और फिर भी नहीं बोल रहे हो तो अपने पैसे की खुद बर्बादी कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि हम इतना तुम लोग को बोल रखे हैं कि अगर तुम लोग क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो तुम मैसेज कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में उसी पर्टिकुलर डाउट से ही पूरा क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आता है स्यूडो हैलाइड्स। ठीक है, स्यूडो हैलाइड्स एक यहाँ पे टॉपिक है। स्यूडो मतलब नकली, फेक, ठीक है? तो स्यूडो हैलाइड्स का क्या मतलब हो गया? वो चीज है जो हैलाइड नहीं है लेकिन हैलाइड की तरह बिहेव करती है, ठीक है? उसका यही मतलब हो गया। अब कौन कौन सी ऐसे कंपाउंड्स है या एटम्स है या एलिमेंट है जो स्यूडो हैलाइड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें दो तीन कंडीशंस चेक करना पड़ता है। कंडीशन नंबर वन होता है कि वो जो पूरा कंपाउंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है? यह हमारा था कंडीशन नंबर वन। सेकेंड, एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए उस पूरे कंपाउंड। और थर्ड फीचर ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 हो सकता है, ठीक है? ये तीन कंडीशंस है इसके लिए। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो कंडीशंस ही लिखा हुआ। अब इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो हम तुमको बता देते हैं। CN माइनस, ये तो इतना फेमस एग्जांपल है कि सब कोई जानता है कि CN माइनस सीडो हैलाइड होता है, ठीक है? SCN माइनस, फिर N3 माइनस, उसके बाद CN2 माइनस है, स्ट्रक्चर ही बना देते हैं ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये सारे के सारे स्यूडो हैलाइड्स हैं। अब इसमें से हम लोग कुछ कुछ पिक करके देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं। ये उठा लिया, नाइट्रोजन है ओवरऑल, पहले सबसे पहले नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? एक नाइट्रोजन है, ठीक है? और CN माइनस है तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक माइनस चार्ज है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है? SCN माइनस को उठा लेते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 6, 4, 10 और 5 और 1, 16, ठीक है? तो 16 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है। N3 माइनस, 5 × 3, 15 और 1, 16, ठीक है? और यहाँ पे कार्बन 4, 5, 5 मतलब 10 + 4, 14 और +2, 16, ठीक है? तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो तुमको कंडीशन मैच कराने आ गया और एग्जांपल्स याद करने आ गया। कंडीशंस नहीं याद हो रहे तो यही टिपिकल एग्जांपल्स ही होते हैं स्यूडो हैलाइड्स के, 4 एग्जांपल CN माइनस, SCN माइनस, N3 माइनस और CN2 माइनस। इसके अलावा और कोई ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं होते, ठीक है? ये सवाल 2017 के जे एडवांस में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो हैलाइड, शायद ज्यादा हमको याद है, ठीक है? तो तुम लोग का ग्रुप 17 खत्म हो गया, ग्रुप 17 खत्म हो गया, और इसमें एक चीज हम स्किप कर दिए हैं, तुम लोग को नहीं बताया अभी तक। एक है लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, और एक होता है कुछ पर्टिकुलर अच्छे रिएक्शंस जो जे एडवांस में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो वो हमको बताना बच रहा है। सबसे पहले हम लोग लेयर टेस्ट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? हम तुमको बताएंगे नहीं कि लेयर टेस्ट क्या होता है क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं है, बेसिकली बस केमिकल रिएक्शन है, तो पता करने के लिए कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। इसके जो फाइनल रिएक्शंस आते हैं वो तुमको डेफिनेटली लिखवा देंगे। एक रिएक्शन है इसमें I2 + Cl2 एक्वस, ये हमें देता है HiO3 + HCl, ये रिएक्शन नंबर वन।
फिर एक रिएक्शन होता है आई टू प्लस सी एल टू एक्सेस, ये हमें देगा आई सी एल थ्री। और यहां से जब हम लोग आई सी एल थ्री को वाटर में ऐड करेंगे तो ये फर्दर हमें देगा एच आई ओ टू प्लस एच सी एल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो। ये एक्वस है, अगर किसी के दिमाग में ये डाउट हो रहा है कि एक्वस मीडियम में ही सारा रिएक्शन होता है तो मतलब तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा है। यहाँ इधर एक्वस ना लिख के प्लस वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन मीडियम है वो वाटर ही होता है हमेशा। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना। आई टू प्लस सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स एच आई ओ थ्री एंड एच सी एल, ठीक है। आई टू प्लस सी एल टू पहले आई सी एल थ्री बना रहा है और आई सी एल थ्री में जब वाटर डालते हैं तो एच आई ओ टू और एच सी एल का फॉर्मेशन करता है। ये दो रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। और इसको बेसिकली हम लोग क्लोरीन वाटर भी कहते हैं। तो क्लोरीन वाटर में जब हम लोग आयोडीन डाल रहे हैं तो तुमको पता है क्या मिल रहा है, और अगर क्लोरीन को एक्सेस रख रहे हैं और आयोडीन से रिएक्ट करा रहे हैं तो आई सी एल थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है, आई सी एल थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसमें वाटर डाल रहे तो एच आई ओ टू और एच सी एल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इतना बात तुम याद रखोगे हमको उम्मीद। और इसमें कुछ ऐसा देखने लायक नहीं होता है कि लेयर टेस्ट में, ये बस बेसिक दो रिएक्शन है, उसको ध्यान में रखो। अब और मेरे ख्याल से कुछ बच नहीं रहा है, बस एक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बच रहा है, वो ग्रुप 17 में नहीं आता है, डी ब्लॉक में आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। एसिड बेसिकली दो तरीके होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का फीचर्स क्या होता है और उसके पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, 10-15 मिनट का टाइम चाहिए हम लोग, ठीक है। अभी के लिए एक मिनट रुक जाओ।